सभी लोग अपने अपने डिब्बों में ही बैठे रहना, जब तक कहा ना जाए तब तक कोई उतरेगा नहीं, कोई भी उतरेगा नहीं, अपने डिब्बों में ही रहना, सारी व्यवस्था आपको डिब्बों में ही दी जाएगी। सभी लोग अपने अपने डिब्बों में ही बैठे रहना, कोई भी उतरेगा नहीं, सभी लोग अपने अपने डिब्बों में बैठे रहो, कोई भी उतरेगा नहीं, कोई भी उतरेगा नहीं, आप लोग सभी लोग अपने डिब्बों में बैठे रहे। सभी सिपाही अपने डिब्बे कवर करें, सभी सिपाही अपने अपने डिब्बे कवर करें। बताया जाएगा वैसा काम करेगा, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, बताया जाएगा वहां करिएगा। हम अयोध्या में हैं और ये अयोध्या का फैजाबाद जंक्शन है जहां पर श्रमिक स्पेशल लगातार आ रही है। किस तरीके से श्रमिकों को उनके घरों तक ले जाया जा रहा है, किस तरीके से एक एक श्रमिक की जांच चल रही है और उनका फॉलोअप हो रहा है, ये एक बेहतरीन उदाहरण होगा। आप इस रेलवे स्टेशन पर देखिए, ये अलग अलग जनपदों में जो लोग जाने वाले हैं, जो यहाँ उतरेंगे, उनके बाकायदा यहाँ पर पोस्टर उनके लगा दिए गए हैं, जिलों के नाम लिख दिए गए हैं। इस तरह से मेडिकल टीमें अलग अलग जिलों के लिए जो जांच करेंगी उसके लिए बिठा दी गई हैं, चाहे मास्क हो, सैनिटाइज़र हो या फिर बुखार नापने की वो मशीन हो, ये तमाम चीज़ें हर स्टॉल पर आपको मिलेंगी। और ऐसे कई स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें कि अलग अलग जनपदों के जाने वाले, ले जाए जाने वाले लोग होंगे। जैसे ये एक स्टॉल है, मैं आपको दिखा दूँ, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती, यहाँ पर बाकायदा इसका लिखा हुआ है। और जो लोग इस श्रमिक स्पेशल से उतरेंगे इन जिलों के लिए, उनकी यहाँ पर पूरी जानकारी ली जाएगी, एक्सेल सीट पर उनके बारे में लिखा जाएगा और उनकी जांच होगी। बकायदा अलग अलग मेडिकल टीमें हैं जो कि इनकी जांच करेंगी और लगातार फॉलोअप करेंगी। जिले के जिलाधिकारी, जिले के सीनियर एसपी, ये तमाम लोग मौके पर मौजूद होते हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं, सर ये बताइए ये कौन सा तरीका आप लोगों ने अपनाया है, क्या एक एक मजदूर जो वापस आ रहा है सब की मार्किंग हो रही है? जी, एक तो नंबर एक, जब जो हमारा स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ट्रेन चली है वो गिन करके वहाँ पे सारे लोगों को बर्थ वहाँ बिठाते हैं और वहाँ से ट्रेन यहाँ पे आती है। जब यहाँ पे ट्रेन आएगी उसी वक्त जो हमारा सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम है वो अनाउंस करना शुरू करेगा कि सभी लोग अभी अपने डब्बे में रहेंगे। और जब उनको कहा जाएगा एक एक करके, एक बार में चार या पाँच हम बोगीज लेंगे, डब्बे लेंगे, और उसके जो श्रमिक है वो नीचे उतरेंगे, इसको लगातार अनाउंस किया जाएगा। जब तक एक बार में पांच डब्बों से श्रमिकों को उतार करके और उनकी स्क्रीनिंग की जाए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, इसी बीच में जो है हमारे खाने के वितरण पे चार टीमें लगी हुई हैं जो बजाबता खाना और पानी की बॉटल जो है स्टैक करके और वो ट्रॉलीज पे सेट करके रखे हुए हैं। वो जैसे ही ट्रेन आएगी तो प्रत्येक डब्बे में खाना और पानी उनको दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दूर जो है, दूर में वहाँ पर हमारा लगा हुआ है, जो आप ठेले देख सकते हैं वो ट्रॉलीज पे पानी की बॉटल और उसी तरीके से खाने का सामान जो है उसको स्टैक करके रखे हुए हैं। फिर एक एक करके डब्बों से लोग जो है डिट्रेन होंगे। डिट्रेन होने के बाद ये जो गोले आप देख रहे हैं, इन गोलों पे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खड़े हो जाएंगे। अलग अलग जनपदों की मेडिकल टीमें लगी हुई हैं जो उनका पूरा डिटेल नोट करेंगे, वो किस बोगी में बैठे हुए थे ये भी नोट करेंगे, उनको कहाँ से आ रहे हैं और वो किस जनपद को जाएंगे, कौन सी तहसील को जाएंगे, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे। जब वो निकलेंगे तो बाहर हमारी एक टीम लगी हुई है जो उनको एग्जैक्टली उनका बस नंबर बताएगी। हर जनपद के लिए अलग अलग जो है बसें लगी हुई हैं, ऐसे हमारे ज़िले की जो अलग अलग तहसीलें हैं उनकी अलग अलग बसें लगी हुई हैं, तो उनको एग्जैक्टली अपने बस में जाने के लिए वहाँ से बताएंगे, गाइड करेंगे, वो अपने बस में जाके बैठेंगे। एक बस में 28 यात्री जब पूरे हो जाएंगे तब वो बस जो है वहाँ से रवाना होगी और वो कंसर्न जो जनपद है, जो हमारा तहसील मुख्यालय है, वहाँ पर पहुँचेंगी। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगी तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर से लौट रहा है उसको 31 किलो 250 ग्राम का 14 दिन का एक राशन का किट है वो उसको देना है, तो वो राशन किट वहाँ पे लेकर के हमारी टीमें तैयार है। वो जैसे ही जाएंगी तो उनको दो काम वहाँ पर किया जाएगा, एक तो राशन का किट उनको प्रोवाइड किया जाएगा और नंबर दो वहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा उनका एक तो जो भी उसमें कंस्ट्रक्शन लेबर है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि 1000 रुपये की जो मासिक सहायता है इस वक्त
ये बंदी के दौरान वो उसको आसानी से मिल सके। और दूसरा एक और काम जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की टीम करेगी, वो ये करेगी कि उनका जो स्किल मैपिंग है वो नोट कर लेंगे कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ किस प्रकार का वो काम कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे, उनको राशन का किट दे देंगे और फिर उनको होम क्वारंटीन भेजा जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो स्वस्थ हैं। जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अस्वस्थ रिपोर्ट करता है, चाहे तो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खांसी बुखार या कोई भी अन्य समस्या हो रही है, और जितने व्यक्तियों में जैसे थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ये पता चलता है कि इनको कोई सिम्टम है कोरोना का, तो उन व्यक्तियों को यहाँ से हम सीधे अस्पताल भेजेंगे जहाँ पर उनका टेस्टिंग किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी और आगे की जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं और जिनका ये विवरण दर्ज हो रहा है, उन सब का यहाँ पर कंप्यूटर की पूरी टीम लगी हुई है जो फटाफट उनका जो है उनका पूरा एक्सेल सीट बनाएगी, और ये एक्सेल सीट जो है जिन जनपदों को लोग जा रहे हैं हम उनको भी देंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो कंट्रोल रूम की टीम है उनको ये एक्सेल सीट अवेलेबल रहेगी, सो दैट कि इसके बाद जब वो होम क्वारंटीन में हैं तो उनको बार बार जो है वो उनकी पुछारी की जाएगी कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये पूरा चीज़ जो है हमारी कंट्रोल रूम के द्वारा उनको बार बार किया जाएगा। ये माना जाए कि पूरा का पूरा एक डेटा बैंक भी इसके साथ साथ तैयार हो रहा है इन लोगों को आगे के लिए। जी बिल्कुल, रोज़ाना ये हो रहा है कि इसका पूरा डेटा बैंक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, और हमारी जो एक पूरी डेडिकेटेड इसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वो लगातार उनकी पुछारी कर रही है। इसमें पुलिस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रोज़ाना जो ये पूरा लिस्ट है हम पुलिस विभाग के हमारे सीनियर एसपी हैं उनसे हम इसको शेयर करते हैं, वो अपनी टीमों के माध्यम से भी रोज़ाना पुछारी करते हैं कि कोई इसमें होम क्वारंटीन को जम तो नहीं कर रहा है। प्रत्येक गांव में हम लोगों ने ग्राम की निगरानी समिति बना रखी है, जो ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष है। इनका काम है, एक तो इस वक्त इन्होंने पूरा स्टेशन को डिसइंफेक्ट किया है, सैनिटाइज किया है, और जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन को भी, ट्रेन जब लोग डिट्रेन हो जाएंगे दोबारा उस ट्रेन का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके पहले ये ट्रेन को भी यहाँ से डिसइंफेक्ट करके वापस भेजेंगे। हमारे साथ अयोध्या के सीनियर एसपी हैं। सर ये बताइए कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बन जा रही है जब इतनी बड़ी तादाद में श्रमिक आ रहे हैं? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी इस कोरोना संक्रमण के काल में बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और जैसा शुरू में हमारी मानवता दिखाते हुए पुलिसकर्मी ने ना केवल कानून व्यवस्था पे भी काम किया बल्कि लोगों को मदद करने की भी जो चीज़ थी उसको करा था। अब क्योंकि ये नया चैलेंज है, श्रमिक लगातार आ रहे हैं और इनका पूरा डेटाबेस बनना है, इधर पे इनका कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो स्टेशन के ऊपर में, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, पूरे जो स्टेशन है उस पर गोले वगैरह बनाए गए हैं और इसका पूरा पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। इसके अलावा ये जो श्रमिक अपनी बसों में जा रहे हैं तो उनको एस्कॉर्ट करके पुलिस बलों को लेकर जाना है, वहाँ पर उनको हैंडओवर करना है। यहाँ से जो जानकारी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जानी है, दूसरी तहसीलों को जानी है, क्योंकि वहाँ पर जब गांव में ये लोग पहुँचेंगे तो इनका होम क्वारंटीन करना, निगरानी समिति द्वारा इनकी जानकारी लेना। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर हैं, 16,000 डिजिटल वॉलंटियर हैं गाँव के अंदर में, वो भी लगातार इनके बारे में जानकारी शेयर करते हैं कि कौन आदमी अपनी होम क्वारंटीन ब्रेक कर रहा है। होम क्वारंटीन ना कि इनके लिए ज़रूरी है बल्कि इनके जो घर वाले हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, तो उनको भी लगातार सेंसिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से पुलिस की जो भूमिका है वो एट द सेम टाइम सुविधा भी है, सुरक्षा भी है और मानवता भी है, तीनों चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है और अच्छा काम।